वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल आगे बढ़े में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में जी हम लोग आपको दुर्ग यूनिवर्सिटी का बीकॉम फर्स्ट ईयर का आपको बिजनेस इन्वायरमेंट का आंसर देने जा रहे हैं। याद रखिएगा, बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस इन्वायरमेंट पेपर वन। तो ओके, आंसर को आपके सामने शो करते हैं, आप नोट करते हुए चलिएगा। थोड़ा सा यहाँ पास अपने एरिया में साउंड का प्रॉब्लम हो रहा है, तो नॉइस थोड़ा सा आपको सही से सुनाई नहीं देगा, बट कोई नहीं, चलो ठीक है। आपको मैं सारे आंसर्स प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, और ये सारे आंसर्स हमारे एक स्टूडेंट ने सब चीज़ें सर्च करके ढूंढ कर दी है, तो मैं तो उसको पहले तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। आप लोग भी उनके लिए कमेंट कर दीजिए थैंक्स करके, कम से कम अब इतने दिन से आप लोग नोट कर रहे हो सभी आंसर्स को, आप लोग को प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप लोग कोई रिप्लाई नहीं करते हो, तो ये चीज़ का थोड़ा सा हमें बुरा लगता है। तो कम से कम जी इतना चीज़ तो कर ही दीजिए। और हाँ, इतने सारे लोग देखते हो वीडियो को, लाइक तो नहीं करते हो कम, तो ये भी चीज़ भूलिए ना, कम से कम लाइक ज़रूर कीजिएगा। दुर्ग यूनिवर्सिटी के हम सभी स्टूडेंट लोग के साथ यह आंसर शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया करके अपने दोस्तों के साथ भी इस चीज़ को शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना खुद का आंसर लिखते रहते हैं, बट एक थोड़ा से एक मिनट निकाल कर शेयर नहीं करते हैं, तो इतना तो कर ही सकते हो, आप लोग के लिए इतना हेल्प कर रहे हैं। तो और अगर यह आंसर आपको ज़रा से भी दिक्कत हो रही है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। और एक चीज़ और बोल दूं, आपको लिखने से पहले सभी चीज़ को नोट करते हुए जाना है, और आंसर नंबर को मैच करते हुए लिखना है, ठीक है ना, आपको दिक्कतें ताकि ना हो। अपने क्वेश्चन पेपर ओपन कीजिए और आंसर मैच करते हुए लिखिएगा, क्योंकि हम लोग ये सारी चीज़ें तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, बट कुछ क्वेश्चन छूट जाता है उस केस के लिए, ऐसे पहले का अथवा भी सब प्रोवाइड किए हैं, सेकंड का भी, वैसे थर्ड फोर्थ सब का आंसर दे रहे हैं, बट कुछ का मतलब अथवा बस दे रहे हैं, तो उसको आपको मैच करना रहेगा, क्योंकि यहाँ पास हम लोग के पास अभी टाइम नहीं है कि हम लोग उसको अलग से एक्सप्लेन वीडियो बनाकर बता सकें, उसको आपको बता सकें कि यहाँ पास इतना है सर क्या। ऐसे हम लोग एडिट अच्छे से कर सकते हैं, बट हम लोग के पास टाइम नहीं है, इस वजह से हम लोग एडिट वाले वीडियो अभी नहीं बना रहे हैं, इसको नॉर्मल फॉर्मेट पीडीएफ फॉर्मेट बनाकर, इसकी स्क्रीन रिकॉर्ड फॉर्मेट बनाकर आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं। ओके, अब आपको एक चीज़ और बता दूँ, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए अगर आप जुड़े नहीं होंगे तो, क्योंकि उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि बहुत सारे अगर हम आंसर अगर प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं टाइमली, तो आप वहाँ पर जुड़े रहोगे तो आपको एक दूसरे से हेल्प हो जाता है, ये सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे का हेल्प करते रहते हैं, वैसे पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे का हेल्प करते रहते हैं, वैसे मैं चाहता हूँ कि दुर्ग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स सभी एक दूसरे का हेल्प करें। आप लोग जितना ज़्यादा हो सके जुड़ जाओ ग्रुप में, और अगर यह वीडियो आपके लिए ज़रा से भी हेल्पफुल रहा होगा, अगर आप वीडियो यहाँ तक पहुँच चुके होंगे, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है जी। और बताइए कि हमारा कंटेंट आपको कैसा लगता है, ऐसे ही हम हेल्पफुल कंटेंट आगे भी आप लोग के लिए बनाते रहेंगे, और आप सभी को ये सब चीज़ें हम लोग अभी तो फिलहाल तो कुछ सारी चीज़ें देखो फ्री में देख रहे हैं, इन फ्यूचर से सारी चीज़ें मेंबरशिप में भी डल सकता है। हमें ये भी पता है कि इन फ्यूचर से इस वीडियो को एज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरह देखा जाएगा, पुराने स्टूडेंट्स जैसे कि अभी 12th पास होकर जब आएंगे लोग, तो इसको फर्स्ट ईयर में रहेंगे, तो एज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरह देखेंगे इसको ना, तो वो लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट करेंगे, तो उन लोग को भी बोलना चाहूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। होप सो, उम्मीद करते हैं आपने यहाँ तक का सारे आंसर्स नोट कर लिए होंगे, और आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल भी रहा होगा। तो मैं एक बार और अपने उस स्टूडेंट्स को थोड़ा सा थैंक्स बोलना चाहूँगा, तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीज़ें ढूंढ कर दी है, उसके पास देखो अभी उनका एग्ज़ाम भी नहीं हो रहा है, फिर भी वो मतलब ये सारी चीज़ें करके हमें दे दे रही है, ठीक है। तो कई लोग मतलब ये सब चीज़ें मतलब हेल्प करने के लिए भी बहुत बार सोचते रहते हैं, इस वजह से बोल रहा था कि उनके लिए ही कमेंट कर दो, कम से कम एक बार उनको थैंक्स मैम करके एक बार कमेंट करके उनको रिप्लाई कर दीजिए, ठीक है जी। तो नीचे में जो रेड बटन का ऑप्शन दिख रहा है ना, सब्सक्राइब बटन, उसको टच करना ना भूलिएगा, और ऑल को भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको हर वीडियो का अपडेट तुरंत मिलते जाएगा। चलो ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। आप सभी आंसर को होप सो उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होगे, और ओके, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।